हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल बायोलॉजी इंपल्स ट सेशन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट चैप्टर नंबर फाइव ऑफ क्लास अलेवेंथ दैट इज़ मॉर्फोलॉजी इन फ्लॉरिंग प्लांट्स सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स प्रोसीड टुडे सेशन सो इससे पहले कि हम इस चैप्टर की डिटेलिंग में पढ़ें कुछ जो बेसिक टर्म्स हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं सो so जो पहली टर्म है दैट इज़ मॉर्फोलॉजी सो मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स यानी कि प्लांट के ऐसे कैरेक्टर्स जो हम बाहर से देख के बता सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल रूट स्टेम्स फ्लावर्स फ्रूट लीफ ये सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स हैं प्लांट के तो इन्हीं एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं मॉर्फोलॉजी का ऑपोजिट होता है एनाटॉमी जिसके अंदर प्लांट के जो इंटरनल फीचर्स हैं यानी उनके जो टिश्यूज़ हैं फॉर एग्जांपल वस्क्यूलर टिश्यूज़ हैं या फिर मेरस्टमैटिक या पर्मानेंट टिश्यूज़ हैं उनके बारे में जो स्टडी है इंटरनल फीचर्स की उसे अनाटॉमी बोला जाएगा बेसिकली जो अनाटॉमी वाला चैप्टर है वो चैप्टर नंबर सिक्स है जो कि हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं उसके हैंड रिटन नोट्स सो इफ़ यू हैवेंट सीन देम देन प्लीज़ गो एंड चेक इसके अलावा तीसरे टर्म है एनजीओ स्पर्म्स।, स्पर्म्स बेसिकली फ्लावरिंग प्लांट्स को बोला जाता है तो मतलब कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग जितने भी एनजीओ यानी फ्लावरिंग प्लांट प्लान्ट उनके मॉर्फोलॉजी यानी उनके एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद रूट तो बेसिकली जो रूट होती है वो रेडिकल से अराइज़ होती है हमें पता है कि जो सीड होता है सीड के अंदर एक एम्ब्रियोनल एक्सेस होती है साथ में कॉटलेडन होता है जो एम्ब्रियोनल एक्सिस का ऊपर वाला पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं प्लियूमल और प्लियूमल से बनती है शूट वहीं जो नीचे वाला पार्ट होता है उसे बोलते हैं रेडिकल और रेडिकल से बनती है रूट तो यहाँ पे हम उसी रूट के बारे में बात करने वाले हैं सो हम यहाँ बात करेंगे कि जो रेडिकल है वो रूट से अराइज़ होती है लेकिन मोनोकोट और डायकॉट रूट के बीच में क्या फ़र्क है वो अभी हम पढ़ते हैं अगर हम डाइकॉट प्लांट्स की बात करें तो इनके अंदर जो रूट है वो रेडिकल से अराइज़ होगी लेकिन वो जो रूट होगी वो प्राइमरी रूट होगी यानी कि एक मेन रूट यहाँ से अराइज़ होगी और उसी के पास सेकेंडरी और टर्शरी रूट्स बनेंगी इस टाइप के रूट सिस्टम को हम बोलते हैं टैप रूट सिस्टम यानी यहाँ पे एक मेन रूट है और इसके साइड में छोटे छोटे लेटरल जो सेकेंडरी और टर्शरी रूट्स हैं वो प्रेजेंट होंगे इस टैप रूट सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें तो ये किस में पाया जाएगा डाइकॉट्स के अंदर पाया जाएगा इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है मस्टर्ड वहीं अगर मैं मोनोकाट्स की बात करूं तो मोनोकाट्स के अंदर जो रेडिकल से प्राइमरी रूट अराइज होगी वो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होगी यानी बहुत कम समय तक जिंदा रहेगी और उसको रिप्लेस कर देंगे बहुत सारी रूट्स जो कि बिल्कुल स्टेम के बेस से औरजिनेट होंगी इस तरीके के रूट सिस्टम को हम बोलते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम यानी ये फाइब्रस रूट सिस्टम हमें देखने को मिलता है मोनोकार्ड्स के अंदर और टैप रूट सिस्टम हमें देखने को मिलता है डाईकॉर्ड्स के अंदर मोनाकॉट के अंदर ये जो फाइब्रस रूट सिस्टम है इसका एग्जाम्पल है वीट इसके अलावा एक और तीसरा रूट सिस्टम होता है दैट इज़ रेड एडवेंटिशियस रूट सिस्टम ये जो एडवेंटिशियस रूट सिस्टम होता है इसके अंदर जो रूट हैं वो अराइज होती हैं रेडिकल के अलावा किसी और पार्ट से यानी रेडिकल को छोड़ के अगर प्लांट की किसी और जगह से कोई भी रूट अराइज़ हो रही है उस रूट को हम क्या बोलेंगे एडवेंटिशियस रूट बोलेंगे इसके कॉमन एग्जाम्पल्स हैं ग्रासीस मॉन्स्टेरा एंड बैनियन ट्रीज़ अब एक बार इसी चीज़ को हम लोग डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमने सबसे पहले बात करी थी टैप रूट सिस्टम की टैप रूट सिस्टम किस में पाया जा रहा था मोनोकॉट्स के अंदर पाया जा रहा था और यहाँ पे ये यह जो ए वाला डायग्राम है दैट इज़ टैप रूट यहाँ पे एक मेन रूट अराइज हो रही है इस मेन रूट को हम बोलते हैं प्राइमरी रूट और इससे ये जो छोटी छोटी रूट्स अराइज़ हो रही हैं इन्हें सेकेंडरी या टर्शरी रूट्स बोला जाता है इस तरीके के रूट सिस्टम को हम टैप रूट सिस्टम बोलेंगे वहीं अगर हम बी वाले डायग्राम की बात करें यानी फाइब्रस रूट सिस्टम की बात करें तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि कोई एक मेन रूट नहीं है यहाँ पे जो प्राइमरी रूट होती है उसको बहुत सारी रूट्स जो है वो रिप्लेस कर देती हैं इस तरीके के रूट सिस्टम को हम बोलेंगे फाइब्रस रूट सिस्टम और वहीं जो हमने तीसरा पढ़ा था एडवेंटिशियस रूट तो हमने पढ़ा कि अगर रेडिकल को छोड़ के किसी भी और पार्ट से अगर रूट अराइज हो रही हैं तो उन्हें हम बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट्स नाउ द नेक्स्ट वन इज़ द फंक्शन ऑफ रूट सिस्टम कि जो रूट्स हैं इनके क्या क्या अलग अलग फंक्शंस होता है तो जो सबसे प्राइमरी फंक्शन होता है किसी भी रूट सिस्टम का वो होता है वाटर या मिनरल का एबजॉर्बशन करना किसी भी सॉइल से वहीं अगर मैं दूसरे फंक्शन की बात करूँ तो ये बेसिकली प्लांट को एक एंकरेज यानी सपोर्ट प्रोवाइड करती है जिसकी मदद से ये ईजिली जो सॉइल है उसको ग्रिप कर सकता है और ईजिली एक जगह पर स्टैंड कर सकता है यानी इसको प्रॉपर एंकरेज या सपोर्ट प्रोवाइड होता है तीसरा ये रिजर्व फूड मटेरियल को भी स्टोर करता है एंड एट लास्ट ये बहुत सारे पीजीआर यानी जो प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं उनको भी ये सिंथेसाइज कराता है नाउ इज द मूवमेंट ऑफ द रूट्स कि जो रूट है वो किस तरीके से मूव कर सकते हैं तो देर आर टू ऑप्शन ईदर द रूट मूव टूअर्ड्स द अर्थ और इट मूव्स अवे फ्रॉम दी अर्थ नॉर्मली जो रूट है वो आ, हमारी जो अर्थ है उसी की तरफ मूव करती है तो अगर कोई भी रूट अर्थ की तरफ मूवमेंट शो कर रही है तो उसे हम बोलेंगे पॉजिटिव जियोट्रापिज़म जियो का मतलब ही होता है टुवर्ड्स दी अर्थ और ट्रॉपिज्म का मतलब होता है मूवमेंट यानी कि जब रूट का मूवमेंट अर्थ की तरफ होता है तब उसे पॉजिटिव जियोट्रॉपिज़म बोला जाता है वहीं पर अगर रूट का मूवमेंट अवे फ्रॉम दी अर्थ है अर्थ से दूसरी तरफ है तब उसे हम बोलते हैं नेगेटिव जियोट्रॉपिज़म नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रीजन्स ऑफ रूट की जो हमारी रूट्स होते हैं उसके क्या क्या अलग अलग रीजन्स देखने को मिलते हैं कौन से अलग अलग एरियाज होते हैं जो रूट है उसे कवर करती है थम्बल लाइक स्ट्रक्चर जिससे हम बोलते हैं रूट कैप और ये जो रूट कैप होती है इसका फंक्शन ये होता है कि जो बिल्कुल टेंडर एपिक्स वाला जो पार्ट होता है रूट का उसको ये प्रोटेक्ट करती है सॉइल से यानी कि उस जो एपिक्स वाला पार्ट है उसे ये प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम एनी इंजरी नाउ देर आर बेसिकली थ्री रीजन्स ऑफ रूट पहला है रीजन ऑफ मेरेस्टमेटिक एक्टिविटी दूसरा है रीजन ऑफ इलांगेशन और तीसरा है रीजन ऑफ मेचोरेशन अगर मैं रीजन ऑफ़ मेरेस्टमैटिक एक्टिविटी की बात करूँ तो पता ही चल रहा है नाम से यहाँ पे कि यहाँ पे जो मैरस्टम टिश्यू है वो पाया जाएगा और हमें पता है जो मैरस्टमैटिक टिश्यूज़ होते हैं वो डिवाइडिंग सेल्स होती हैं उनके पास कॉन्टीन्यूसली डिवाइड करते हैं और नई सेल्स की फॉर्मेशन करते रहते हैं तो बेसिकली इस रीजन के जितनी भी सेल्स होंगी वो बिल्कुल थिन वॉल्ड होंगी और काफ़ी ज़्यादा डेंस साइटोप्लाज्म इनके अंदर प्रेजेंट होगा और जैसे कि मेरिस्टमेटिक हैं तो बहुत ही जल्दी कॉन्टीन्यूसली लगातार डिवाइड करती रहेंगी ना उसके जस्ट ऊपर वाला जो एरिया होता है उसे बोला जाता है रीजन ऑफ एलोंगेशन यहाँ पर रैपिड एलोंगेशन देखने को मिलता है यानी कि ग्रोथ देखने को मिलती है हाइट इंक्रीजमेंट देखने को मिलती है हमें रूट की तो बेसिकली ये रूट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है रीजन ऑफ इलोंगेशन नाउ द थर्ड वन इज रीजन ऑफ मेचोरेशन कि ये जो रीजन ऑफ इलॉन्गेशन है उसके बाद जो ऊपर वाला एरिया आएगा उसमें मेच्योरेशन वाला रीजन भी बोलते हैं हमें पता है कि जितने भी मेरास्टमेटिक सेल्स होती हैं वो नई सेल बनाती हैं और वो जो नई सेल बनती हैं बाद में उनको परमानेंट सेल बना दिया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंसीशन बेसिकली डिफ्रेंसीशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर सेल को उसका एक पर्टिकुलर शेप साइज एंड फंक्शन प्रोवाइड किया जाता है तो यहाँ पे अब रीजन ऑफ मेचोरेशन वाली जो सेल्स हैं उनको हम उनका एक पर्टिकुलर शेप साइज एंड फंक्शन प्रोवाइड कर देंगे तो जिसकी वजह से वो मेचोर हो जाएंगी और अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देंगे और याद रखना रीजन ऑफ मेचोरेशन वाले एरिया के पास ही रूट हेयर प्रजेंट होते हैं जो कि सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं रूट के लिए वाटर एब्जॉर्बशन का इंक्रीज़ करने के लिए एक बार हम इस रीजन ऑफ द रूट को डायग्राम की मदद से देख लेते हैं तो सबसे पहले वाला तो जो एरिया है दैट इज़ रूट कैप और ये जो रूट कैप है अभी अभी हमने पढ़ा था ये एक थम्बल एक स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे जो एपिक्स जो बिल्कुल टेंडर पार्ट है उसे प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द इंजरी इस रूट कैप के जस्ट ऊपर वाला जो एरिया होता है इसे बोला जाता है रीजन ऑफ मेरेस्टमैटिक एक्टिविटी यानी ये वो एरिया है जहाँ पे लगातार सेल डिवाइड करेंगे और नई सेल बनाएंगे और इस मेरिस्टमैटिक एक्टिविटी के वो जो ऊपर वाला एरिया है उससे हम बोलते हैं रीजन ऑफ इलागेशन ये कंटिन्यूअसली इलांगेट करेगा और जो लेंथ है ग्रोथ है उसको कराने का काम करता है इलोंगेशन होने के बाद जो सेल्स हैं उनको क्या किया जाएगा उनको एक डिफ्रेंसीशन के प्रोसेस से पर्टिकुलर शेप साइज एंड फंक्शन परफॉर्म करा दिया जाएगा और इसीलिए इसके बाद आता है अगला रीजन दैट इज़ द रीजन ऑफ़ मेच्योरेशन जहाँ की जो सेल है वो मेच्योर हो चुकी है परमानेंट हो चुकी हैं और अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और जो रूट हेयर हैं वो भी कौन सा एरिया के अंदर आता है रीजन ऑफ़ मेच्योरेशन में इंक्लूड होता है नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ मॉडिफिकेशन ऑफ रूट कि जो रूट है वो क्या क्या मॉडिफ़ाई करती है कि अपना जो उसका मेन फंक्शन है वाटर मिनरल का एबजॉर्बशन करना उसके अलावा और किस तरीके से हम रूट को मॉडिफ़ाई कर सकते हैं प्लांट्स मॉडिफाई करते हैं सो देट के वो कुछ एडिशनल फंक्शन परफॉर्म कर सकें तो एडिशनल फंक्शन क्या क्या रूट कर सकती है पहला है सपोर्ट प्रोवाइड कर सकती है दूसरा है फूड स्टोर कर सकती है और तीसरा है रेस्पिरेशन में हेल्प कर सकती है यानी द रूट कैन बी मॉडिफाइड फॉर सपोर्ट स्टोरेज ऑफ फूड एज़ वेल एज रेस्पिरेशन तो इन्हीं तीनों पॉइंट्स को एक बार एक एक करके डिस्कशन करेंगे द वेरी फर्स्ट वन इज स्टोरेज ऑफ फूड तो बेसिकली जो टैप रूट होती हैं अब इससे क्वेश्चन बनता है कि जो टैप रूट्स हैं वो हमें किस में देखने को मिलती है मोनोकॉट की डाकॉट द आंसर विल भी मोनोकॉट्स के अंदर हमें टैप रूट देखने को मिलती है तो ये जो टैप रूट होती हैं कैरेट की टर्निप की या फिर स्वीट पटाटो की इन तीनों का फंक्शन ये होता है कि ये रूट को जो रूट है वो अपने अंदर फूड को स्टोर करके रखती हैं तो हम जो कैरेट खा रहे हैं टर्निप कंज्यूम कर रहे हैं ये दोनों क्या है रूट मॉडिफिकेशन का पार्ट है क्योंकि इन्हीं के अंदर रूट के अंदर ही जो फूड है वो स्टोर है नाउ द नेक्स्ट फंक्शन इज फॉर सपोर्ट तो बेसिकली सपोर्ट के लिए दो तरीके की रूट्स होती हैं पहली है प्रॉप रूट और दूसरी है स्टेल्ट रूट जो प्रॉप रूट होती है ये कुछ ओवरहैंगिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हमें जनरली बानियन ट्री में देखने को मिलते हैं जो इसको सपोर्ट करने में हेल्प करता है वहीं जो स्टिल्ट रूट होती हैं ये ऐसी रूट होती हैं जो सपोर्टिंग रूट हैं जो कि स्टेम का जो लोअर नोड है जो बिल्कुल नीचे वाला जो नोड है वहाँ से ये रूट अराइज होती हैं इसीलिए इन्हें बोला जाता है स्टिल्ट रूट और स्टिल्ट रूट हमें देखने को मिलती है मेज़ एंड शुगर के इनके अंदर यानी इन दोनों ही प्रॉप रूट और रूट दोनों का फंक्शन ही होता है कि एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करवाती हैं हमारे प्लांट को नाउ द थर्ड इज फॉर रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन के लिए जो सेल्स हेल्प कराती हैं रूट की उन्हें बेसिकली निमाटोफोर्स बोला जाता है निमेटो बेसिकली वो रूट होती हैं जो ग्राउंड से बाहर आ जाती हैं और फिर वर्टिकली अपवर्ड मूवमेंट करने लगती हैं यानी जर्नली तो हमने देखा था कि जो रूट्स होती हैं वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज़म शो करती हैं टूवर्ड्स दी अर्थ वो मूवमेंट करती हैं लेकिन ये जो निमेटोफोर्स होती हैं ये ऐसी रूट होती हैं जो ग्राउंड से बाहर आ जाती हैं और बाहर आने के बाद तो वर्टिकली अपवर्ड मूवमेंट करने लगती हैं इनका ये मूवमेंट इसलिए होता है ताकि उन प्लांट्स को एडिशनली ऑक्सीजन मिल सके सो दैट कि उनके अंदर रेस्पिरेशन हो सके इसका जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल देखा जाता है दैट इज़ राइजोफोरा जो कि नॉर्मली आपको स्वयं पे एरियाज़ में देखने को मिलता है यानी सीधी भाषा में रेस्पिरेशन के लिए जो रूट्स रिस्पॉन्सिबल है उन्हें निमेटोफोर्स बोलेंगे ग्राउंड से बाहर आएंगी वर्टिकली अपवर्ड मूवमेंट करेंगी ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम करेंगी और इसका कॉमन एग्जाम्पल है राइजोफोरा नाउ द नेक्स्ट वन इज स्टेम कि जो स्टेम है वो किस तरीके से क्या उसके एडिशनल फंक्शन है क्या क्या चीज़ें उसके ऊपर प्रेजेंट होती हैं उन सब के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे जो स्टेम है वो प्ल्यूमल से डेवलप होती है ये हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में डिस्कशन कर लिया था कि रेडिकल से रूट बनेंगी और प्ल्यूमल से शूट बनेंगी इट इज़ असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सेस ब्यरिंग द ब्रांचेस लीव फ्लावर्स एंड फ्रूट स्टेम ऐसा पार्ट होता है जिसके ऊपर ब्रांचेस आएंगी नई नई लीव्स आएंगे फ्लावर्स आएंगे, आएंगे और उसके साथ साथ फ्रूट की भी सिंथेसिस होगी जो स्टेम होती है उसके पास में नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट होती हैं बेसिकली नोड्स वो एरिया होता है जहाँ से लीफ अराइज होती हैं द रीजन ऑफ द स्टेम वेयर द लीव्स आर बॉर्न इज नोन एज द नोड्स यानी नोट से लीफ अराइज होंगी वहीं पे जो इंटर नोड होता है वो दो नोड्स के बीच की जगह है कि जो दो नोड्स जो प्रेजेंट हैं उनके बीच की जो जगह होती है उसे हम क्या बोलेंगे इंटर नोड नाउ जो स्टेम है वो जनरली ग्रीन कलर की होती है जब कोई भी प्लांट यंग होता है वहीं पे अगर जब प्लांट फुल्ली मेच्योर हो जाता है तब उसकी जो स्टेम होती है वो बहुत ज़्यादा वुडी और डार्क कलर की शेड्स की हो जाती हैं रूट के जो स्टेम है उसके क्या क्या फंक्शंस हो सकता है सो द वेरी फर्स्ट फंक्शन आज स्प्रेडिंग आउट द ब्रांचेस बेयरिंग द लीव्स फ्लावर्स एंड फ्रूट कि इसके पास ब्रांचेस आएंगे जिसके ऊपर लीव्स फ्लावर्स एंड फ्रूट बनेंगे इसके अलावा वाटर एंड मिनरल कंडक्शन का भी ये काम करती हैं और इसके साथ साथ कई बार फोटोसिंथिस में भी ये हेल्प कराती हैं इसके अलावा क्या एडिशनल फंक्शन हो सकते हैं स्टेम के तो ये फूड स्टोरेज में हेल्प कराएंगी सपोर्ट प्रोवाइड करेंगी प्रोटेक्शन देंगे प्लांट को और इसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट दैट इज़ वेजिटेटिव प्रोपोगेसन कराएंगी वेजिटेटिव प्रोपोगेसन का मतलब होता है कि द अराइजिंग ऑफ द न्यू प्लांट फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट अदर देन द फ्लावर यानी कि फ्लावर को छोड़ के अगर बाकी किसी पार्ट से अगर नया प्लांट अराइज़ हो रहा है फॉर एग्जाम्पल रूट्स स्टेम लीव से अगर कोई नया प्लांट अराइज़ हो रहा है तो उसे बोला जाता है वेजिटेटिव प्रोपोगेसन ना मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम तो कैसे कैसे मॉडिफाई हो रही है हर नाम तो हमने पढ़ लिया था जैसे कि हमने पहले पढ़ा था स्टोरेज ऑफ फ़ूड तो स्टोरेज के लिए कौन कौन से चीज़ हेल्प करेंगी पटाटो के अंदर स्टेम मॉडिफाई होती है स्टोरेज के लिए सेम इन द केस ऑफ जींजर टर्मेरिक जमीन खंड एंड द कलाशियन इन सब के अंदर जो स्टेम है वो मॉडिफाई हो जाती है और स्टोरेज का काम करती है इसके अलावा द ऑल्सो एक्टर्स दर्गेन ऑफ द पेरीनेशन पैरिनेशन बेसिकली uh, जो अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं उसको टाइड ओवर करने के लिए यानी उनको ओवरकम करने के लिए ये पीरियड ऑफ पैरिनेशन में भी ये uh, हेल्प कराती हैं न थर्ड वन एस टेंड्रल्स टेंड्रल्स बेसिकली एक्जलरी बर्ड यहाँ से डेवलप होती है इसके साथ साथ ये प्लांट को क्लाइंब करने में हेल्प कराते हैं एज वी कैन सी इन द केस ऑफ़ द गॉड्स एंड द ग्रेप्स दो जो गॉड्स हैं उनका कॉमन एग्जाम्पल है ककुम्बर पम्पकिन एंड वाटरमेलन इन तीनों के अंदर आपको जो टेंड्रल्स हैं वो देखने को मिलती हैं इसके साथ साथ जो ग्रेप्स हैं उनके अंदर भी टेंड्रल्स पाई जाती हैं बेसिकली जो टेंड्रल्स होती हैं वो बनी होती हैं परमानेंट टीशू से और अगर परमानेंट टीशू की भी बात करी जाए तो ये बनी होती हैं कॉलन कायमा से कॉलिन कायमा एक तरीके का फ्लेक्सीबल टीशू होता है जो कि फ्लेक्सीबिलिटी प्रोवाइड करता है सो देट की जो टेंड्रल्स हैं किसी भी डायरेक्शन में ईजिली मूव करके एक जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड कर इसके अलावा जो थ्रॉन्स हैं वो डेवलप होते हैं एक्सिलरी बर्ड से और इसके अलावा ये प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट को फ्रॉम द ब्राउजिंग एनिमल्स यानी कि जो घास चढ़ने वाले जानवर होते हैं उनसे जो प्लांट है उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है थ्रॉन्स वी कैन सी दीज थ्रोज एज इन द केस ऑफ सिट्रस एंड द बोगिया जो फिफ्थ मॉडिफिकेशन हो सकती है स्टेम की जो एरिड रीजन्स के अंदर देखने को मिलती है Uh, इसका एग्जाम्पल है कि जो स्टेम है वो फ्लैटेंड हो सकती है कम्प्लीटली जिसके एग्जाम्पल होगा ओपियंट्रिया इसके अलावा बिल्कुल फ्लैशी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर भी फॉर्म कर सकती है जिसका एग्जाम्पल है यूफोरबिया ना कई बार हमें अंडरग्राउंड स्टेम्स भी देखने को मिलती हैं जो कि बेसिकली रूट मॉडिफिकेशन का ही एक पार्ट है जो अंडरग्राउंड स्टेम्स होती हैं कुछ प्लांट के वो बिल्कुल नए निश के अंदर पूरा स्प्रेड हो जाती है नए निश का मतलब होता है नए नए एरियाज के अंदर स्प्रेड हो जाती हैं और जैसे ही उनका पुराने वाला पार्ट डाई होता है नए वाले पार्ट से जो नया प्लांट है वो अराइज़ हो जाता है यानी सिंपल है कि ज़मीन के अंदर ये फैल जाती हैं जैसे ही उस प्लांट का जो पुराने वाला पार्ट है वो ख़त्म हो जाता है तो जो नए वाले पार्ट है उनसे नया प्लांट अराइज होना शुरू हो जाता है इसका कॉमन एग्जाम्पल है ग्रासेस एंड स्ट्रॉबेरी इसके अलावा जो लेटरल ब्रांचेस होती हैं वो भी अराइज़ होती हैं स्टेम से जो कि ग्रो करती हैं एरियली और फिर बाद में जाके ग्राउंड को टच कर लेती हैं नीचे की तरफ इन टाइप की जो जो हमारी स्टेम मॉडिफिकेशंस हैं उनका एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है मेट एंड जैसमन के अंदर यानी यहाँ पे क्या हो रहा है स्टेम से ब्रांचेस अराइज़ हो रही हैं बिल्कुल बेस से अराइज़ हो रही हैं फिर वो ऊपर यानी एरिया का मतलब होता है ऊपर हवा में हवा की तरफ ये ग्रो करने लगती हैं और फिर बाद में जाके ये नीचे ज़मीन को टच कर लेती हैं तो ये भी एक स्टेम मॉडिफ़िकेशन है इसके अलावा जो लेट्रल ब्रांचेस होती हैं अंडरग्राउंड स्टेम की कई बार वो हॉरिजॉन्टिकली ग्रो करने लगती हैं बिल्कुल बेंथ द सॉइल यानी ज़मीन के नीचे नीचे ये हॉरिजॉन्टिकली मूव करने लगेंगी बाद में अपवर्ड मूवमेंट करती हैं और लीफी शूट बना लेती हैं इसका कॉमन एग्जाम्पल है बनाना पाइन ऐपल एंड क्राइज इन तीनों के अंदर हमें इस तरीके की जो स्टेम मॉडिफिकेशन है वो देखने को मिलती है नाउ वी विल टॉक अबाउट लीफ सो बेसिकली इट इज़ द लेटरल जर्नली फ्लैट एंड स्ट्रक्चर बॉर्न ऑन द स्टेम कि जो लीफ होता है वो बिल्कुल एक लेटरल पार्ट है फ्लैट एंड स्ट्रक्चर है जो कि नॉर्मली स्टेम के ऊपर ही बॉर्न होता है सो दैट्स ऑल फॉर टुडे इफ यू हैव लाइक दर वीडियो देन प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल Also, you can tell us your views in our comment section as well. Thank you so much.